डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास टेंथ की मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन पहले क्या बोलता है इसको हम लोग रीड करते हैं, फिर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों वॉल्यूम को कह रहा है कि कंबाइंड किया जाता है, एंड टू एंड ऐसे जॉइंड करता है। एक वॉल्यूम ये है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, ये दोनों क्यूब को ऐसे हम लोग ज्वाइंट करते हैं एंड टू एंड को, तो एक क्यूबॉइड बना देगा। जैसे हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो एक क्यूबॉइड का शेप बना रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले साइड को निकाल लेते हैं। क्यूब है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करते हैं पहले एक क्यूब का लेंथ या ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगा तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूले हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास साइड हमने ए लिया तो ए क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तो ए क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 सेंटीमीटर का ऐसे लिखते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग को पता चल गया कि एक क्यूब का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसको मतलब ये हुआ कि ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो गए 4-4 सेंटीमीटर को हो गए। अब इसको ऐसे एंड टू एंड ज्वाइंट करता है, ज्वाइंट करेंगे तो इस टाइप का एक शेप बनाएगा। तो ये लेंथ जो होगा पहले 4 से 4, ये मतलब ये लेंथ ऐसे इंक्रीज कर जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है क्योंकि दो क्यूब को हम लोग एंड टू एंड ज्वाइंट कर रहे हैं। अब ये लेकिन ब्रेथ जो होगा और हाइट जो होगा वो 4-4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब ये इस टाइप को बनाया है। अब इसका कह रहा है ये क्यूब बन गया, क्यूबॉइड बन गया, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो जब दोनों क्यूब को हम लोग एंड टू एंड ज्वाइंट करते हैं तो एक क्यूबॉइड बना रहा है। तो इस क्यूबॉइड का पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये एल बी बी एच एल एच क्या है बेटा, एल माने लेंथ, बी माने ब्रेथ, एच माने हाइट। अब जिनमें से लेंथ हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, टू एल का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू कितना 4 है, बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, H का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व करें और बेटा कहाँ जा रहा है 2, ये ऐड करें कितना आएगा 6 2 8 2 10, 3 1 4 3 1 4 3 7 1 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा मेरा आंसर। थैंक यू बेटा, फिर अगले क्वेश्चन हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग इसको सीखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू हम लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे और डेली कंटिन्यू हम लोग सीखते रहेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन करके डेली हम लोग का चलता रहेगा। थैंक यू बेटा।